go. There's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free. Let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज हमारा ग्रुप कल चला गया है सिक्किम, सॉरी सिलीगुड़ी वापस, और कल ही चला गया था। कल हम लोगों का कहीं खास प्लान था नहीं, जाना नहीं था, तो हमने वीडियोस नहीं बनाया है। बट आज हम लोग निकल रहे हैं अपने नए एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का प्लान है नॉर्थ सिक्किम घूमने का, और अब हम लोग आ गए हैं स्टैंड में। कौन सा स्टैंड है ये? वाजरा स्टैंड में आए हुए हैं अपने गाड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जाने के लिए नॉर्थ सिक्किम के लिए शेयरिंग पे, वाजरा स्टैंड में आपको शेयरिंग पे गाड़ी मिलती है, जिस पे आप बहुत सारे एक साथ ही जाएंगे शेयरिंग बेसिस पे। और इससे क्या होता है ना कि आपको बजट में भी बहुत हेल्प मिल जाता है शेयरिंग पे जाने से। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चैनल पे वीडियोस पे कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि रास्ते में जाते समय बहुत सारी ऐसी सीनरी मिलेगी देखने के लिए जो बहुत ही खूबसूरत होगी, बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे वीडियो पे बने रहिएगा, सारे सीनरी आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हमारा अभी 0 पॉइंट, और फिलहाल तो हम लोग लाचुन जाएंगे। लाचुन में 1 नाइट स्टे होगा, फिर वहाँ से सुबह में 0 पॉइंट और यांथम वैली करते हुए रिटर्न आएंगे। तो चलिए, वीडियो पे कंटिन्यू बनना रहना है आपको, और देखते हैं क्या क्या आज देखने को मिलता है हम लोग को भी और आप लोग को भी। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑन द वे हैं और रास्ते में गाड़ी हमारी रुकी हुई है, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो गया है। एक जन जो हैं उनका परमिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ सिक्किम बॉर्डर पे आपको परमिट चाहिए होता है, अगर आप इंडियंस नहीं हैं तो विदेशी हैं तो आपको परमिट चाहिए। और लाचुन जाना चाह रहे हैं तो लाचुन के लिए भी आपको परमिट चाहिए, और उसमें सबके लिए परमिट है। तो हमने अपना परमिट गाड़ी में चढ़ने से पहले चेक कर लिया था, लेकिन एक जन ने चेक नहीं किया था और परमिट का प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ खाने के लिए रुके हुए हैं, और जिनका परमिट का प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, वहीं पे उनका परमिट बना, फिर गाड़ी खुल गई, आगे बढ़ी, और हम लोग अभी खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे।
तो फ्रेंड आपको भी बताना चाहेंगे, कभी भी आप गाड़ी पे लाचुंग के लिए बैठें तो परमिट अपना चेक कर लें, नहीं तो फिर सेम प्रॉब्लम आपको भी हो सकता है। विदाउट चेक किए परमिट ना चढ़े। तो बाकी सब सफ़र में ठीक रहा, बस ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ये मिस्टेक ना करें वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हुए हैं ऑन द वे रास्ते में लंच के बाद, अभी यहाँ रुक रहे हैं। नागा वाटरफॉल है, बहुत ही मतलब आप मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो में तो आपको इतना अच्छा लग रहा है, हम सोचे कि पास से देख रहे हैं हमें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर इसका मतलब जितना बोले उतना कम है वैसा है इसका व्यू, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, पानी गिरते हुए जो आवाज़ है उसका, ये आवाज़ इतना खूबसूरत है वादू, और इसका पानी जो इतना वाइट में इतना अच्छा लग रहा है, पेन के साथ नीचे आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मतलब हम आपको बस ऐसी शब्द में बता नहीं सकते क्या एक्सपीरियंस है इसका, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब हम क्या बोले, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब इतना रास्ते में थक गए थे ना, बोरिंग लगने लगा था, लेकिन यहाँ आके ना वो भी चीज़ क्लियर, मतलब अब बोरिंग सा भी नहीं लग रहा है। इधर साइड भी ये लाचुन चाहते जाने के रास्ते में ही है, और 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर और है हमारे लाचुंग जाने में, तो यहाँ रास्ते में हमको हाई का फिंगर है, एक बार मेरे को ले लो यहाँ से, तो गाइज ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अब तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत और भी जगह पे देखा है, दार्जिलिंग में भी देखा है और गैंगटॉक में पहले भी, इससे पहले भी, लेकिन इस जगह पे मैं नहीं आई थी और ये एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया था। तो गाइज अगर आप मेरा जो देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ आइएगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। हाय,
तो फ्रेंड्स हम लोग लाचुन पहुंच गए हैं, अभी 10 मिनट हुआ है हमें पहुंचते हुए। और भी हम लोग पहले आ सकते थे, 6:30 बजे भी पहुंच सकते थे, बट गाड़ी हमारी बीच में खड़ी ख़राब भी हो गई थी और बीच में एक प्रॉब्लम भी हो गया था परमिट का, जो हमने आपको बताया है वीडियोस में, तो उस वजह से लेट हो गया काफ़ी। तो हम अभी पहुंचे पाए हैं और पहुंच कर देखा है, ये जो यहाँ से दिख रहा है ना आपको छोटा सा लाइट्स में आदमी खड़ा हुआ, वो हमारा होटल है, मतलब हम वहीं रुक रहे हैं, खाना भी हमारा वहीं है, ठहरना भी हमारा वहीं है, और ये सब चीज़ें ना पैकेज में इंक्लूड है, मतलब कि टेम्पो नहीं ऑटो स्टैंड से लेके यहाँ तक का रहना, खाना, लंच जो हमने किया है वो सब कुछ पैकेज के अंदर था। 2000 पर पैक्स दिया गया है और उसके अंदर आना जाना, लंच, रात का डिनर और यहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी सुबह का 6 बज रहा है, 4 बजे से हम लोग उठे हुए हैं तैयार हो रहे थे और अभी गाड़ी की आके लग गई है, निकल रहे हम लोग, ये गाड़ी है शेयरिंग हो रही है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से यमथम वैली और 0 पॉइंट के लिए, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और ये दूसरे के मोबाइल से हो रहा है, देखिए ये कब तक हो पाता है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि दूसरे के मोबाइल से भी क्लिप मिल जाए। मोबाइल में यहाँ ना लाइट नहीं है, आप लोग मैंने एक गलती किया है आप मत कीजिएगा, कि अपना ना पावर बैंक लेके आइएगा, यहाँ लाइट नहीं है, हमको ये कोई बताया ही नहीं, कम से कम ड्राइवर बता देता तो पावर बैंक इंसान रख लेता ना, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या है, तो आप भी घूमने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यमथम वैली के लिए निकल चुके हैं, देखिए यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सीनरी देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब पहाड़ है, पहाड़ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। शायद फ़ोन में आपको वो चीज़ ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप कभी यहाँ विजिट कर पाए तो आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत व्यू है, मतलब एकदम सरप्राइज वाला व्यू है, हम तो बहुत सरप्राइज है, आप ही आइएगा तो आपको सेम फीलिंग आएगा, क्योंकि हम कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा जगह हमको देखने मिलेगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर है यमथम वैली, हम लोग वहीं जाएंगे अभी, लेकिन ये पॉइंट बहुत, ये पॉइंट है, ये पूरा एरिया ही ऐसा है, फिर भी हमने गाड़ी रुकवाई है ताकि वीडियोस फोटोज ले सके, क्योंकि कैमरा फुल हो जाएगा, मोबाइल आपका पूरा GB लेके निकलिए, 2.5 GB का भी आपका फ़ोन है वो भी फुल हो जाएगा, क्योंकि सीनरी बहुत ज़बरदस्त है हर जगह, तो ख़त्म नहीं होने वाला, कैच करते रहिए करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है यमथम वैली, सॉरी गलती हो गया, तो
वैली के पास आ गए हैं और देखिए यहाँ बहुत सारा याक है, यहाँ देखिए। तो यंतम वैली आ गए हैं और ये देखिए याक बहुत सारा, बहुत ही मस्त व्यू है गाइस, यहाँ आके मन खुश हो गया। यहाँ बहुत सारा याक है, नीचे जाना है ना। ओ मेरे को तो आराम से उतरना है। नीचे है यंतम वैली। कितना दिन ये पॉइंट आपको लाचुन से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था और इससे भी आगे 25 किलोमीटर में 0 पॉइंट है, वहां भी इसके बाद जाएंगे और वहाँ से वापसी आते हुए एक हॉट स्प्रिंग वाटर भी है जहाँ गर्म पानी यहाँ गिरता है और वहाँ के लोगों का कहना है कि उस पानी में नहाने से जो भी स्किन डिजीज होता है, प्रॉब्लम होता है, वो कम होता है उससे, क्योंकि वो ज़मीन से निकल के पानी आती है और बहुत फ़ायदेमंद होता है वो पानी। तो फिलहाल हम लोग तो नहा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी ठंड है यहाँ पर और हम लोग कपड़े भी उतना कैरी करके नहीं आए, मतलब पता नहीं था ना कि ये सब चीज़ें, तो वो तो नहीं पाएगा लेकिन जाएंगे वहाँ पे ज़रूर। देखिए गाइस ये कितना सुंदर है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है, मतलब कितना सुंदर है ये। Make me.
तो फ्रेंड्स अभी हम जीरो पॉइंट आ चुके हैं, देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और बहुत ही अच्छा पॉइंट भी है। और हम पूरे रास्ते इस व्यू इसकी कैच करते आए क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, बर्फ़ से ढका हुआ पूरा ये पहाड़ बहुत सुंदर लगता है देखने में। बहुत टाइम से चाह रहे थे ऐसे जगह पे आना, लेकिन आज फाइनली वो टाइम आया तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, रास्ते भर मज़ा आया, यहाँ पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कितना सुंदर पहाड़ है और साथ में बर्फ़ से ढका हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा नहीं ठंडा है एक्चुअली, अभी एक स्वेटर में काम चल जा रहा है क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी है। अगर धूप नहीं होती तो आपको दो तीन वियर करना पड़ता। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा यहाँ महसूस होगा आपको कम, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सबको नहीं, थोड़ा जिनको सांस की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्योंकि ये 14 फीट की ऊंचाई पर है और रुद्रमा लेक अगर जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, 1700 फीट की ऊंचाई पे है, बट यहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा थकावट फील होगा वहाँ यहाँ पे, और लेकिन फिर भी इंजॉय बहुत है यहाँ पे, आप इंजॉय बहुत अच्छा कर सकते हैं। मौसम बहुत सुंदर है, धूप के साथ बर्फ बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कितना सुंदर बर्फ से ढका पहाड़ दिख रहा है उधर।
तो फ्रेंड एक चीज़ और आपको बतानी थी कि 2000 हमने पे किया है, पैकेज था हमारा जिसमें वहाँ से टेम्पो ऑटो स्टैंड से रिसीव करना, ऑटो स्टैंड तक छोड़ना, उस बीच में आपका जो भी पॉइंट है यांथम वैली हो गया और छोटा मोटा जो वाटरफॉल है वो सब, और 1 नाइट स्टे होटल में, लंच डिनर ये सारा 2000 में इंक्लूड था। लेकिन ये जो जीरो पॉइंट है आपका, ये आपके पैकेज में नहीं था, ये आपको इसके लिए 400-440 रुपीज़ पर पैक्स हमने एक्स्ट्रा पे किया है इधर आने के लिए। तो ऐसे पॉइंट के लिए 440 रुपीज़ कोई मायने नहीं रखता है, तो वो बताना था आपको कि आने के लिए वो अलग से चेक पॉइंट पे करना होता है। और भी आपको बेसिक डिटेल्स चाहिए होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करते रहिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, अभी नहीं निकलेंगे, अभी फ़ोटो खिंचाएंगे, रील्स बनाएंगे छोटा, और रील्स भी देखिए हमारे यहाँ ज्योति 1973 ज्योति सिंह 1973 मिनट का। और हमारे साथ जो ग्रुप आया है ना, मतलब छोटा ग्रुप है, 8 लोग हमारे साथ और हैं, शेयरिंग बेसिस पे हमने आपको बताया ना, लेकिन वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, मतलब कि कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा पॉइंट है, कॉपरेट नहीं कीजिएगा तो क्या आप करने आए हैं, करते रहे, तुरंत भागो गाड़ी खोलनी है। ड्राइवर हम लोग का बहुत अच्छा है, ड्राइवर बहुत कॉपरेटिव है और अच्छे से घुमा के दिखा दे रहे हैं, कोई नहीं सोके, हम लोग तो अपना एंजॉय करने आए, वो तो करेंगे चाहे चिड़चिड़ाते। मैगी खाने आए हैं, ये देखिए मैगी स्टॉल, मैगी भी है और पीने के लिए बहुत कुछ है, चाय कॉफी चना भुजिया ये भी है, और बहुत सारे ऐसा स्टॉल आपको बहुत जगह मिलेगा देखने को। ये सूट खास बात है कि यहाँ ये सब चीजें भी है ताकि थोड़ा रिलैक्स है हमारे लिए, इतने ठंड में इधर से आए और चाय मिल जाए, मैगी मिल जाए, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ये चीजें भी है। सर आप कॉफी किस में? ये पहले टू से दे दीजिए। फ्रेंड्स हम यहाँ मैगी खाना शुरू कर दिए हैं, देखिए जो ड्राइवर साहब है ये भी खा रहे मैगी और मैं भी खा रही हूँ मैगी, और ये एक आदमी और है वो चाय पी के काम चला रहा है। यहाँ मैगी सबसे अच्छा लगता है, मैगी मैंने एक पैक भी करवाया रास्ते से। इनको ना भोजपुरी गाना भी अच्छा लगता है ना, भोजपुरी गाना सुनते हैं ना। फ्रेंड्स हम लोग अपने होटल के पास आ गए थे, जहाँ जो हमारा होटल पैकेज में था, जहाँ हम लोगों ने रात को स्टे किया था, लाचून वापस आ चुके हैं, अभी जस्ट पहुँचे हैं लंच के लिए, यहाँ लंच है हमारा, तो लंच करके हम लोग गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में एक दो पॉइंट और है जिससे बटरफ्लाई वाटरफॉल और भी पॉइंट्स है जो ड्राइवर बता रहे थे, तो वो सब भी देखेंगे तो आप ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग